नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था जो कि काफ़ी सुर्खियों में था, जिसको कि हम सब जानते हैं, जो कि अर्नब गोस्वामी का मैटर था। और उसी संदर्भ में एक हमारे व्यूअर ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि उस मैटर के जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो लीगल पहलू हैं, उसके जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, उन पर एक डिस्कशन की जाए। तो आज का इस वीडियो उसी रिलेशन में है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द फैक्ट्स ऑफ द केस। दोस्तों, 16 अप्रैल 2020 को एक इंसिडेंट हुआ था, जिसको कि हम आज की डेट में पलघर मॉब लिंचिंग इंसिडेंट कहते हैं, जिसमें कि तीन लोग, जिसमें कि दो साधु थे और एक उन साधुओं का ड्राइवर था, उन्हें बहुत ही ब्रूटली मारा गया था मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा। भीड़ इकट्ठा होकर के उन साधुओं को उन्होंने मारा था। और एलिजेडली ये जो भीड़ थी, इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिसमैन की प्रेजेंस में इन साधुओं को मारा था। तो इस वजह से एक नेशन वाइड कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, नेशन वाइड आउटक्राई हुआ था। और इसी इंसिडेंट के रिलेशन में 21 अप्रैल 2020 को अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पे, जो कि आर भारत चैनल है उनका, उसमें एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है पूछता है भारत। उसमें उन्होंने अपने कुछ व्यूज एक्सप्रेस करे थे। उस रिलेशन में उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो गई थी इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में। जो स्टेट्स में FIR रजिस्टर हुई थी, वो कुछ स्टेट्स थे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ऐसे ही कई स्टेट्स में उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो गई थी। और जिन धाराओं के अंडर रजिस्टर हुई थी, वो ये सारी कॉग्निजिबल धाराएं थी। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि पुलिस को कोई वारंट नहीं चाहिए, पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो एक बार FIR रजिस्टर हो गई, तो अर्नब गोस्वामी वॉज एक्सपोज टू अरेस्ट by police from various states in the country. अब this was one thing that FIR was registered against him with respect to commission of cognizable offences. इसके अलावा उनके साथ एक और वाकया हुआ था, जिसमें कि 23 अप्रैल 2020 को जब वो अपने स्टूडियो से रात को वापस आ रहे थे, allegedly उन पर दो motorcyclists के द्वारा एक अटैक भी हुआ था। तो ये जो अटैक हुआ था उनपे 23 अप्रैल को उनपे जो अटैक हुआ था, उस इंसिडेंट के अगेंस्ट उन्होंने एक FIR रजिस्टर की थी NM जोशी पुलिस स्टेशन मुंबई में। कमिंग बैक टू दी FIRs दैट वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी, अब अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट जो FIR रजिस्टर हुई थी, सिंस ही वॉज एक्सपोज टू अरेस्ट, ही अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बाई इन्वोकिंग आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अप्रोच करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की, गुहार लगाई कि उनको ये जो सारी FIRs जो हैं, इन सबको क्वाश किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि FIR सारी बेबुनियाद है। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया 24 अप्रैल 2020 को, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं होता, तब तक अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट कोई कोअर्सिव स्टेप्स ना लिए जाए, उनको अरेस्ट ना किया जाए। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फिशा ये पाया कि जो FIRs फाइल्ड थी वेरियस स्टेट्स में, वो सारी मोर ऑर लेस आइडेंटिकल थी, सिमिलर थी इन देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन देयर कंटेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सारी FIRs को स्टे कर दिया। और एक FIR जो कि नागपुर में फाइल हुई थी अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट, उस FIR को ट्रांसफर कर दिया NM जोशी पुलिस स्टेशन में। अब आपको याद होगा, हमने इस वीडियो में कहा था कि अर्नब गोस्वामी पे भी अटैक हुआ था। अब वो जो अटैक उन पर हुआ था, वो FIR रजिस्टर्ड थी NM जोशी पुलिस स्टेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी के जो लॉयर थे, उनका कंसेंट लेके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया कि जो नागपुर का जो FIR है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए NM जोशी पुलिस स्टेशन, जहां पर अर्नब गोस्वामी की FIR भी पेंडिंग थी, जो कि अर्नब गोस्वामी ने फाइल करी थी। तो इस ऑर्डर के तहत अर्नब गोस्वामी को प्रोटेक्शन मिलगी। सेकेंडली, उनका जो FIR था, जो सारे जो वेरियस स्टेट्स में जो फाइल हुई थी उनके अगेंस्ट, वो सारी को स्टे कर दिया गया। और एक FIR जो कि नागपुर में पेंडिंग थी, उसको ट्रांसफर कर दिया मुंबई में NM जोशी पुलिस स्टेशन में, वो भी अर्नब गोस्वामी के लॉयर की कंसेंट के साथ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को लिबर्टी भी दी फॉर अप्लाइंग फॉर एंटीसिपेटरी बेल। अब वो किसी भी कोर्ट से अप्लाई कर सकते थे, सेशन कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से, वो लिबर्टी उनके पास थी। और इसके अलावा जो भी अदर रेमेडीज उनके पास लॉ के अंडर अवेलेबल थी, वो अवेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस इंटरिम ऑर्डर के तहत लिबर्टी दी। अब आफ्टर दिस इंटरिम ऑर्डर वॉज पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अर्नब गोस्वामी को NM जोशी थाने में इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया। ये ऑर्डर पास हुआ था 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को अर्नब गोस्वामी को NM जोशी पुलिस स्टेशन मुंबई में बुलाया गया इंटरोगेशन के लिए। अब जब अर्नब गोस्वामी को इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया, तो वो उस थाने में
प्रस्तुत हुए और साथ ही अपने जर्नलिस्ट्स की जो उनकी जो कैमरामैन और उनकी जर्नलिस्ट की टीम है उनको भी लेकर गए थे। तो 25 तारीख को ये जो इंटरोगेशन हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी आईएएस एप्लीकेशंस फाइल हुई, जो पेंडिंग रिट पिटीशन थी उनमें काफ़ी एप्लीकेशंस फाइल हुई। सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल हुई अर्णब गोस्वामी के द्वारा। अर्णब गोस्वामी ने ये बताया कि 25 तारीख को उनको जो एनएम जोशी थाने में बुलाया गया था उनसे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि इररिलेवेंट थे। उनको 12 घंटे के लिए इंटरोगेट किया गया था और जो उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी जो एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में जो उनसे क्वेश्चंस किए गए थे काफ़ी बेबुनियाद थे। और अर्णब गोस्वामी ने अपनी एप्लीकेशन में ये लिखा था कि ये उनका मानना है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जो लाइन है इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा उनको विक्टिमाइज करने के लिए थी, एक पार्टीशन और एक मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन थी। इस वजह से अर्णब गोस्वामी ने उस एप्लीकेशन में प्रे किया कि जो एनएम जोशी थाने में जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको स्टे किया जाए और इस मैटर को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा एक आईए उनके सीएफओ ने जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उन्होंने भी फाइल करी थी। अर्णब गोस्वामी के जो कंपनी के जो सीएफओ थे उन्होंने ये आईए इसलिए फाइल की थी क्योंकि उनको भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, काफ़ी उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डिंग ऑफ अर्णब गोस्वामीज न्यूज़ चैनल और काफ़ी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में उनसे तमाम क्वेश्चंस पूछे गए थे सीएफओ से। तो सीएफओ ने भी इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें काफ़ी अनरिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि मैटर से कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली एक आईए फाइल करी थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने ये एप्लीकेशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि अर्णब गोस्वामी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे और सेकेंडली अर्णब गोस्वामी मुंबई पुलिस के कमिश्नर को थ्रेट कर रहे हैं कि वो उनको किसी इंडिया बुल से रिलेटेड कोई मैटर है उसमें एक्सपोज कर देंगे। तो ये एप्लीकेशन में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने प्रे किया कि उनको ऐसी थ्रेट से अक्यूज जो कि अर्णब गोस्वामी जो पिटिशनर या अक्यूज है उनकी ऐसे थ्रेट से और उनके ऐसे हरकतों से उन्हें इंसुलेट किया जाए ताकि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अपनी इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल फियरलेसली और जिस तरीके से उन्हें कंडक्ट करना चाहिए उस तरीके से कंडक्ट करें। अब दोस्तों जब ये मैटर पेंडिंग था अर्णब गोस्वामी का जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगी थी और क्वाशिंग ऑफ एफआईआर मांगी थी रिट पिटीशन में, एक और इंसिडेंट हुआ। 2 मई 2020 को एक एफआईआर फाइल हुआ पायदोनी पुलिस स्टेशन मुंबई में कि 29 अप्रैल 2020 को अर्णब गोस्वामी ने अपने चैनल पर जो उनका प्रोग्राम है पूछता है भारत उसमें उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी कि कोरोना वायरस के फैलने के लिए मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस संदर्भ में उनके अगेंस्ट एक और एफआईआर फाइल हुई मुंबई पुलिस के पायदोनी पुलिस स्टेशन में। अब ये जो एफआईआर फाइल हुई इसके अगेंस्ट भी अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी अगेन आर्टिकल 32 में। और जो एफआईआर फाइल हुई थी वो मोर ऑर लेस सेम धाराएं थी जो कि पिछली एफआईआर थी उसकी और इसकी धाराएं थोड़ी सेम थी सिमिलर थी और इसमें भी जो उनके अगेंस्ट ऑफेंस था वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की धाराएं लगी थी और इसमें अगेन ही वॉज एक्सपोज डिस्पाइट प्रोटेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ही वॉज अगेन एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ बींग अरेस्टेड बींग इंटरोगेटेड। तो उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए इन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी जबकि इनकी प्रीवियस रिट पिटीशन पेंडिंग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों रिट पिटीशन की सुनवाई इकट्ठे करी और अपना वर्डिक्ट सुनाया। तो इस मैटर के सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट पास करी उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डील करा इनिशियल रिट पिटीशन के साथ जिसमें कि उनके अगेंस्ट काफ़ी एफआईआर फाइल हो गई थी विद रिस्पेक्ट टू पलघर मॉब लिंचिंग इंसिडेंट। पहली रिट पिटीशन के साथ डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा कि विद रिस्पेक्ट टू द सेम इंसिडेंट या विद रिस्पेक्ट टू सेम ट्रांजैक्शन मल्टीपल एफआईआर फाइल नहीं हो सकती और अगर ऐसा होता है दैट इज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो मेन इंसिडेंट था वो था 21 अप्रैल का जो ब्रॉडकास्ट था उसके खिलाफ जो अलग अलग स्टेट्स में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में जो एफआईआर फाइल हुई थी ये एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वेरियस एफआईआर थी उनको क्वाश कर दिया और एक एफआईआर जो कि एनएम जोशी पुलिस थाने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर के तहत ट्रांसफर किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रखा, उसके अलावा जो बाकी एफआईआर थी उनको क्वाश करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पे भी रिलाई किया जो कि थी बाबूभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जिसमें कि एक टेस्ट ऑफ सेमनेस जस्टिस बीएस चौहान जिन्होंने वो जजमेंट पास करी थी उसमें एक टेस्ट ऑफ सेमनेस उन्होंने ले डाउन किया था जिसमें कि दो अलग इंसिडेंट्स या दो एक से ज़्यादा इंसिडेंट हैं जो कि सेम ट्रांजेक्शन से निकलते हैं तो वो टेस्ट ऑफ सेमनेस क्वालिफाई करते हैं और इन दैट केस एक ही एफआईआर फाइल होगी। लेट्स से फॉर इंस्टेंस ए ने बी को कुछ गुड्स डिलीवर कर रहे थे और बी ने वही गुड्स को आगे सी को डिलीवर करने थे तो ए ने बी से पैसे ले लिए बट फ्रॉड कमिट करके बी को गुड्स डिलीवर नहीं किए और इसी वजह से बी आगे सी को गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए।
तो जो सी है वो भी एक अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर सकते हैं और बी भी एक अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर सकते हैं फ्रॉड के ग्राउंड पे। तो अब ऐसा नहीं कि सी अगर किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और बी किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं तो दो एफआईआर उनके अगेंस्ट फाइल होंगी, क्योंकि द इंसिडेंट इज सेम, द ट्रांजैक्शन इज सेम, उससे दो इंसिडेंट्स ऑकर हुए हैं, बी और सी अपनी जो ऑब्लिगेशंस थे वो फुलफिल नहीं कर पाए और जिसकी वजह से दोनों को नुकसान हुआ, तो बी एंड सी कैन डेफिनेटली फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट ए, बट बी और सी दोनों एक साथ फाइल नहीं करेंगे। जो बी ने अगर एफआईआर फाइल करी तो सी उसमें विटनेस के तौर पर आएंगे उस केस में, तो ये टेस्ट ऑफ सेमनेस होता है। सिंस इन दिस केस द इंसिडेंट वॉज सेम, जो कि 21 अप्रैल का ब्रॉडकास्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेस्ट ऑफ सेमनेस को क्वालिफाई करता है, तो बाकी जो सारी एफआईआर है उनको क्वॉश किया जाए और सिर्फ जो एफआईआर नागपुर से एनएम जोशी पुलिस थाने को ट्रांसफर हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जाए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की, वो ये कि किसी भी जर्नलिस्ट का राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इज नॉट ग्रेटर देन द राइट ऑफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और ये जो राइट है उन्हें मिलता है आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 19(1)(a) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जर्नलिस्ट को भी उतना ही राइट होता है जितना कि एक आम सिटीजन को राइट होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने को, और ये जो राइट है इसकी जो लिमिटेशन है आर्टिकल 19(2) के अंडर है, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई अपने आप को 19(1)(a) के अंडर एक्सप्रेस करता है तो दैट पर्सन इज नॉट इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। पर साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करा कि जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मल्टीपल एफआईआर जो फाइल हुई थी दैट वाज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। और थर्डली सुप्रीम कोर्ट ने डील करा अर्णब गोस्वामी की जो रिक्वेस्ट थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ केस टू सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एक्यूज होता है ही डज नॉट हैव एनी राइट और एनी से विद रिस्पेक्ट टू चूजिंग द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए रिलाई किया रोमिला थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट पे, जिसमें कि ये ले डाउन किया गया था कि जो एक्यूज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चूज नहीं कर सकता, उसके पास कोई राइट भी नहीं होता ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चूज करने के लिए। लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मेरे अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है और मेरे को अगर लगता है कि पुलिस उस केस को गलत तरीके से परस्यू कर रही है, तो आई कांट से कि पुलिस को छोड़कर इसको सीबीआई को या सीआईडी को इस केस को ट्रांसफर किया जाए, उसके लिए मेरे पास और भी रेमेडीज हैं। बट ऑफ कोर्स एन अक्यूज्ड डज नॉट हैव द राइट टू चूज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो केस डिसाइड हुआ था पी चिदम्बरम वर्सेज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और उसमें जस्टिस आर भानुमति की ऑब्जर्वेशन थी, उस पर रिलाई किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है दे कैन चूज देयर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एंड इंटरोगेशन, और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन का मोड मैनर या जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है उसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मॉनिटर नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स अगर कोई प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर पुलिस या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अगर कोई प्रोविजन ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाती है वायलेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो डेफिनेटली कोर्ट विल इंटरफेयर, कोर्ट विल मॉनिटर, बट अदर देन दैट जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको फ्रीली अलाउ करने देना चाहिए वो किस तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हैं, किस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा सुनवाई के दौरान जब इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था उस स्टेज पे अर्णब गोस्वामी ने खुद ही एनएम जोशी पुलिस स्टेशन को चूज किया था फॉर इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट हिम, अब वो उसे प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन को और ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो रही। उसके अलावा अर्णब गोस्वामी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाई थी, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अक्यूज्ड अगर लोकल पुलिस के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ ग्राउंड फॉर ट्रांसफर ऑफ केस टू सीबीआई या किसी भी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की जो प्रेयर थी फॉर ट्रांसफर ऑफ केस टू सीबीआई उसको रिजेक्ट कर दिया और केस को मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया। इसके अलावा जो एफआईआर फाइल हुई थी उसमें डिफेमेशन की भी धारा लगी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ डील करते हुए ये कहा कि जो डिफेमेशन की जो धारा थी वो लग सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 199 ऑफ द सीआरपीसी। जब डिफेमेशन का केस कोई अगर फाइल करना चाहता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस एज पर सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी उनको एक कंप्लेंट फाइल करनी होगी मजिस्ट्रेट के यहाँ, और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को देख करके अपना माइंड अप्लाई करेंगे कि समन्स इशू होने चाहिए या नहीं, प्रोसेस ऑफ कोर्ट इशू होना चाहिए या नहीं, और फिर डिफेमेशन का केस आगे बढ़ता है। पर इस केस में डिफेमेशन की जो धारा लगी थी वो एक एफआईआर में लगी थी, ना कि एक मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट में, तो इस वजह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेमेशन की जो धारा लगी है उसके रिलेशन में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसके अलावा जो बाकी धाराएं लगी हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहे।
तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंटरिम प्रोटेक्शन के तहत उनके अगेंस्ट एक ही केस अब पेंडिंग था, जो कि था मुंबई पुलिस के यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंस्टेड ऑफ बाईपासिंग द प्रोसीजर एंड कमिंग डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए और हाई कोर्ट से पहले अपनी रिलीफ्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि इट विल नॉट परमिट द पिटिशनर टू बाईपास द प्रोसीजर। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 वीक का प्रोटेक्शन ग्रांट किया फॉर हिम टू अवेल रेमेडीज दैट आर अवेलेबल टू हिम अंडर लॉ। और जो पायधोनी पुलिस स्टेशन में जो सेकेंड FIR उनके अगेंस्ट फाइल हुआ था विद रिस्पेक्ट टू हिज कमेंट्स कि कोरोना वायरस मुस्लिम्स की वजह से फैला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको 3 वीक की प्रोटेक्शन दी जाती है, जो भी रेमेडीज हैं ये अपने हाई कोर्ट में या सेशंस कोर्ट से अवेल कर सकते हैं। जो भी रेमेडीज उनको अंडर लॉ अवेलेबल है उसके लिए जो 3 वीक का टाइम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी रिट पिटिशन में दिया था, इस रिट पिटिशन में भी दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने जो भी लीगल रेमेडीज हैं उनको अवेल करें। तो दोस्तों दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। अगर आपके कोई इनपुट्स हैं, अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ऐसे लीगल डिस्कशंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।